गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 31 अगस्त दिन शनिवार, केशवपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है मंडी में, जो है टोटल कितना गाड़ी पहुँचा जी, और नीचे ऊपर मिला करके टोटल कितना माल है, और बिक्री यहाँ पे किस तरह का है, ग्राहकी किस तरह का, रेट किस तरह का खुला है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाला जो महीना है प्याज के लिए किस तरह का रहने वाला है, और नेफिड और साउथ का क्या कुछ अपडेट है, ये सारा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों दिखाते हैं आपको क्वालिटी, अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 31 पर, और सर के पास दो गाड़ी लगा जी, एक तो ये है और एक इधर है जी। बाकी अंदर के साइड भी जो है लोट पलटे हुए हैं, ये भी आपको दिखाता हूँ। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सबसे पहले तो आज का मार्केट का अराइवल बता दीजिए, आज मंडी में जो है टोटल गाड़ी ऊपर नीचे मिला करके सारा कुछ कितना है जी? ताजी गाड़ी की बात की जाए तो ताजी गाड़ी मंडी के अंदर में 7-8 गाड़ियाँ, ठीक है जी, इसमें से 4 गाड़ी अपने पास ओके, और 4 गाड़ी वैसे है। और मंडी की बात की बैलेंस भी, तो बैलेंस है कम से कम 6-7 गाड़ी का बैलेंस भी होगा। 6-7 गाड़ी का बैलेंस, 6-7 गाड़ी का, सबकी दुकानें फुल है, 6-7 गाड़ी का बैलेंस भी होगा, ठीक है जी। तो टोटल मिला करके जो है वही 13-14 गाड़ी के आसपास, 13-14 गाड़ी करीब करीब ओके जी। तो सर जी बात करें एरिया का, तो किस किस एरिया से माल आ रहा है जी इस समय यहाँ पे? सर एरिया की बात किया था, जिस टाइम पर पूना भी आ रहा है, नासिक भी आ रहा है, रामपुर भी आ रहा है, राजस्थान, राजस्थान को छोड़ के बाकी सब एरिया के पैजा, ठीक है जी। अपने पास किस किस एरिया का माल है जी? मेरे पे ये पूना वाली गाड़ी है, ठीक है, बीच में जो गाड़ी लगी हुई है ये नासिक है, जो साइड में लगी हुई है ये एमपी है, ये जो एक तो लाल जाली है जी, और एक ये जो है मतलब अपना जूट वाला जो है ये पूना भी है, ओके जी। खाली जाली देख रहे हो बीच में, ये पूरा नासिक है, जो साइड में तीसरी गाड़ी, हाँ जी, वाइट में जी, ये पूरा एमपी का है जी। अच्छा, जो खाकी वाला है जी, ओके। तो सर जी ये जो क्वालिटी आपने पलटा हुआ, इनका क्या भाव है जी? ये सर माल बिके अपना 40-41 रुपए के बीच में माल बिके, ये पूना वाला जी, पूना वाले जो माल बिके, ओके जी। और जो नासिक बिका है वो 38 रुपए किलो, 1500-1520 रुपए के बीच में माल बिका है। अच्छा, 1500-1520 रुपए मन, मन हाँ जी, 40 के जी करे, 37.5 से 38 रुपए जी, एक आधा लाट 1550 रुपए का भी दिया है, ओके जी, नासिक का। और अगर बात करें एमपी का, एमपी का सर लेके 1400 से लेके 35 रुपए से लेके 38 रुपए तक की मार्केट है, 35 से लेकर के 38, हाँ जी, 35 से लेकर पर केजी क्या रेट पड़ेगा जी? वो 1400 से होगा, 35 रुपए से लेके 38 रुपए किलो, सॉरी 35 से 38 तो आपने पर केजी बताया। तो सर जी अगर बात करें पूरे मंडी का, तो मंडी में हाईएस्ट कहाँ तक रेट रहा जी पूना का? हाईएस्ट की बात किया है तो एक आधा लाट बिका वो 42 रुपए का, वो नाम है खाली, उसको डाल दिए, बाकी 41 रुपए का ज्यादा प्याज बिका है, ठीक है जी। हाँ, जो 42 वाला बिका वो भी हमें 41 रुपए भरना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में रुकती है तो वो 41 रुपए, 1650 रुपए का समझो बस आप। अच्छा जी, और एक जनरल पोजीशन पूरे मार्केट का निकालें तो जनरल पोजीशन क्या रहेगा? 1550 से लेके 1600 रुपए, 1550 से लेकर 1600 रुपए का। अच्छा, पर केजी क्या रेट पड़ेगा? यही अपना 38 से लेकर 40 रुपए के बीच में, ये जनरल पोजीशन रहेगा जी, ओके जी। इसमें सभी एरिया का माल आ जाएगा, तीनों एरिया करीब करीब में, ये पूना का नासिक का आएगा सर। अच्छा, 38 से 40 के बीच में, एमपी की बात किया जाए तो एमपी का 35 से लेकर 38 के बीच में आएगा। अच्छा, जनरल पोजीशन, हाँ जी, ओके जी। गोल्टी गोल्टा इस समय आ रहा क्या सर? गोली गोल्टा अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, ओके। बाकी अगर पूना गोल्टा आता है बढ़िया तो वो भी 38-40 के बीच में बिक जाता है, सुपर गोल्टा होता है तो, ठीक है जी। और चोपड़ा आ रहा है क्या? चोपड़ा बिक रहा है अपना, नासिक का चोपड़ा बिका है, मेरी गाड़ी में आता है, 30 रुपए के बीच में बिका है, 30 रुपए के करीब। और एमपी से भी आ रहा क्या सर? सर एमपी से तो नहीं आ रहा। एमपी का इस समय क्वालिटी कैसे आ रहा जी? एमपी की सर क्वालिटी जो आ रही है ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज्यादा हल्का भी नहीं, जो इस टाइम फिलहाल मेरे को भी गाड़ी लगी है, ठीक है जी, ना इतनी सुपर है ना इतनी वो हल्की है, ओके, ठीक ठाक है, मतलब की माल, मतलब ठीक ठाक है, जनरल पोजीशन में, जनरल पोजीशन के बाद, ओके जी। तो सर जी अभी जो है फिलहाल अपडेट क्या कुछ आ रहा है पीछे से, और कैसा बाजार आगे नजर आ रहा है, मतलब अब जो है नया महीना लगने जा रहा है कल से, तो सितंबर का महीना प्याज किसान भाइयों के लिए कैसा रहने वाला है? सर देखिए, सब कह रहे थे बाजार में तेजी आएगी, कुछ लोगों का कहना तेजी का था, कुछ लोग ने ये भी कहा कि अपने मालों को निकाल जाइए, पर सर कल से 9 महीने लग जाएगा, मुझे नहीं लगती है, जिस हिसाब से मार्केटें हैं, थोड़ी आज आमदनी, इंदौर मंडी से भी फोन आया था, बात हुई है, आमदनियां तो पीछे एमपी की मंडियों में कम हुआ है, कारण उसका क्या कि सबकी रस्तों में गाड़ियां निकली हुई थी, सबकी पीछे 3 दिन पहले बाजार बहुत टाइट थे,
तो आमदनियां कम तो हमें भी लग रहा था, पर सबसे बड़ी बात है सेल पावर की। अच्छा, आज हमारी मंडी में बात देखी जाए तो देखो आमदनी भी ठीक ठाक है, कम नहीं है ज्यादा नहीं, पर सेल नहीं हो पा रही है इतना जिस हिसाब से मैं स्पीड सोच रहे थे सेल की। जी ठीक है जी। हाँ जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि अपना आने वाले टाइम में धीरे धीरे 9 महीने लग चुका है, धीरे धीरे करके अपने मालों को निकालिए। अच्छा, हाँ जी। जो ये जो सर जी मतलब 40 से प्लस मार्केट पहुंच गया था, 45 टच कर गया था, तो क्या दोबारा से मतलब ये आएगा सर, मौका मिलेगा फिर? सर मुझे अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ मैं आपके इंटरव्यू चैनल के माध्यम से, मुझे नहीं लगता कि अब थोड़ा बाजार कोई बढ़ता दिखाई दे रहा हो। अच्छा। मैं तो अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को समझ के अपने मालों को थोड़ा निकालिए, क्योंकि अब एनसीएफ और नेफेड की थोड़ी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है सर मालों में थोड़ी अब जान, क्योंकि बारिश अब तुम्हारे साल बहुत पड़ा है जी। आप देख रहे हो बारिश, गर्मियां देख रहे हो कितनी पड़ रही है, इस हिसाब से मालों में भी जान नहीं बच पा रहे हैं एमपीओ के। अच्छा। मैं तो अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा अपने मालों को धीरे धीरे करके निकालने। और यदि अगर सर जी अगर माल का परसेंटेज अगर कम होता है तब आपको क्या लग रहा है, तब फिर कैसा रहेगा? सर देखिए परसेंटेज क्या है कि एमपी का पक्की तरह पता नहीं चल पा रहा कि एमपी के अंदर में कितना माल है। अगर एमपी के अंदर में 30-40% माल है तो हमें नहीं लगता कि कोई तेजी का है। अच्छा। पक्की तरह सबसे बड़ी बात है सर, अभी पुणे वाले ने पूछा कि एमपी की टेंडेंसी लेके बताओ, हमें खुद ही पता नहीं चल पा रहा कि एमपी के अंदर में कितना माल है। हमारी पार्टी कहते हैं कि कोई बोलता है कि 35% माल, कोई 30%, कोई कहता है 15-20% है। अच्छा, तो वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। ओके, अगर यदि कितना परसेंट होगा माल एमपी में जिससे बाजार थोड़ा टाइट हो सके? सर बाजार जिस हिसाब से कंडीशन 9 महीने लगा उस हिसाब से हमें सर लगना चाहिए था 15 से 20 लास्ट और 20 हद से अधिक होता, तो तब हम जो सकते हैं हमें तेजी का, क्योंकि जो अपनी अलवर वाली फसल है वो सब एक एक महीना करीब करीब लेट है। ठीक है जी। परंतु अभी जो रिपोर्टें हैं एमपी की वो पक्की तरह से नहीं निकल पा रही है कितना माल है। अच्छा, मतलब रेट भी जो है इस बार एमपी ही तय करेगा, अगर मतलब कुछ एमपी में अगर माल कम होता है तब जाकर के तो चांस है? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कारण क्या सर, अभी पीछे बात हुई है पूना बेल्ट जी, पूना बेल्ट से अभी तक कोई हमारी जो ट्रांसपोर्टर वाले हैं जी, अभी तक मैं 15 गाड़ियां चली जाती थी, अभी तक मैं एक गाड़ी दिल्ली के लिए नहीं गई है, एक तो गाड़ी की शॉर्ट भी चल रही है और वैसे भी है जी। चक्कर क्या है एमपी का जो वाले जो आपने कहा कि एमपी के ऊपर ही बाजार चलेगा, चक्कर क्या पूना वालों का जो खेल, नासिक वालों का जो खेल बिगाड़ते हैं वो स्टेप एमपी वाले ही बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि मालों को आना है, उनके मालों में जान है नहीं, तो मालों को स्टाफ से मुझे लगता है कि बाजार का स्थिति बन पाएगा, तो इसलिए नासिक और अपने पूना वालों की नुकसान ही हो रहा है दिखाई दे रहा है। अच्छा। मालों का बाजार नहीं बन पा रहा है उनका, 40 रुपए किलो में पड़ता नहीं है पूना वालों का जी। ठीक है जी, मतलब जिस हिसाब से माहौल बन रहा था अराइवल ज्यादा होकर के एमपी में, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को घबराहट पूरी है जी, पूरी घबराहट है जी, बिल्कुल एकदम पूरी। ओके, और सर जी अभी नेफेड का क्या कुछ अपडेट है, कुछ आया क्या जानकारी? नेफेड की देखा बातचीत चल रही है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे सर सुनने वाले जो हमारे यार दोस्त हैं बताते हैं, परसों मेरे पास भी एनसीएफ का फोन आया था, उन्होंने बातचीत की थी, तो लग रहा है जैसे बातों से कि भाई थोड़ा वो भी अपने मालों को निकालेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने भी खरीदारी करी है, कोई ये तो है नहीं वो तो निकलेगा ही सर, लेकिन कब निकलेगा कुछ अभी आइडिया है क्या? आइडिया सर अभी कुछ कह नहीं सकते, देखिए कोई कहता कि 1 तारीख के बाद में, 5 तारीख के बीच में, अब किसी ने कहा है कि 5 से 10 तारीख के बीच में। अच्छा, माल की अफवाह चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं, ये अभी पक्की रिपोर्ट नहीं आ पाई। ओके, मतलब अभी कहीं ना कहीं ये भी उलझन में है कि जो रेट आगे कैसा रहने वाला है उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपना माल धीरे धीरे निकालेगी। सर सबसे बड़ी बात का मुझे तेजी का बिल्कुल माहौल नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। कि जो हम कहें कि आगे चल के तेजी का माहौल दिखाई देगा, ऐसा मुझे तो मेरी टेंडेंसी नहीं लग पा रही है। ठीक है, प्याज हम सोचा कि 45-50, कुछ लोग कहते 45-50 रुपए प्याज बिकेगा, मुझे नहीं बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो कहाँ तक आपको बाजार जाते हुए नजर आ रहा जी? सर बाजार की देखिए बात की जाए तो देखिए अभी तो फिलहाल यही है, बाकी दो ही बारी बात करेंगे कि मालों का क्या तक लग रहा है कि प्याज 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का ऐसा अनुमान लग रहा है, पर अभी मैं ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं कल को कहने लगू भी आप कहने लगे जी मैंने ये कमेंट कर, ये जो मेरी सोच है जो मैं कारोबार 28 साल से प्याज से कर रहा हूँ, अभी फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है, जो अगर नीचे भी बाजार जाएगा तो वो 30 रुपए तक, मतलब नीचे जो जाएगा 25 रुपए तक हल्के प्याज होगा, 30 रुपए तक का प्याज का धन्यवाद।